प्यारे बिच्छू नमस्कार। आज हम हमारी पुस्तक में पाठ चार देखिए। पाठ चार एक छोटा सा कविता है। कविता का नाम है अनूठा साथी कंप्यूटर। क्या है पाठ चार? क्या है अनूठा साथी कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे में एक छोटी सी कविता है। कंप्यूटर शब्द सबको जानता है, सबको परिचित है। क्या है कंप्यूटर? हाँ, आज के जमाने में कंप्यूटर एक चिर परिचित शब्द है। क्यों? हाँ, बिना कंप्यूटर से हम कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे इस हाल में इस अवसर पर हर बच्चों को पढ़ने की सहायता कौन करता है? कंप्यूटर करता है। ठीक है, हाँ, इस अवसर पर हर बच्चों कंप्यूटर की सहायता से हमारी पाठ भागें पढ़ते थे। ठीक है ना? हाँ, देखो इसलिए अनूठा साथी कंप्यूटर। देखो पाठ भाग का नाम क्या था? हमारी कविता का नाम है अनूठा साथी कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में एक छोटी सी कविता है। इसका रचयिता डॉक्टर मधु धवन। डॉक्टर मधु धवन की एक छोटी सी कविता है अनूठा साथी कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सबको जानता है ना? हाँ, देखो इसका पहला पंक्ति देखिए। अनूठा साथी है एक कंप्यूटर, नए जमाने का है एक कंप्यूटर। देखिए अनूठा साथी है एक कंप्यूटर, नए जमाने का है एक ट्यूटर। क्या है अनूठा साथी है? अनूठा, अनूठा अर्थ क्या है? अनूठा शब्द का अर्थ है यूनिक। अनूठा साथी है, साथी मीन्स कंपेनियन। अनूठा साथी यूनिक कंपेनियन, हमारा साथी, साथ में रहने वाला कौन है? साथी कहते हैं। हमारा साथी है क्या? कंप्यूटर। हाँ ठीक है, हमारा साथी है कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर इज अवर यूनिक कंपेनियन। क्या है? कंप्यूटर इज अवर यूनिक कंपेनियन। ठीक है, देखो अनूठा साथी है कंप्यूटर, हमारा साथी है कंप्यूटर, हमारा साथी है, साथी मीन्स कंपेनियन। कंप्यूटर इज अ यूनिक कंपेनियन। देखिए नए जमाने का है ट्यूटर। ट्यूटर, ट्यूटर क्या है? ट्यूटर मीन्स ज्ञान देने वाला, चाहे जितना हो कठिन काम हल कर देता है तमाम। अनूठा साथी है एक कंप्यूटर, नए जमाने का है एक ट्यूटर। नया जमाना, नया जमाना का अर्थ है मॉडर्न पीरियड। दिस मॉडर्न पीरियड में हमारा कंप्यूटर अनूठा साथी है। नए जमाना, न्यू जनरेशन, मॉडर्न पीरियड, नया जमाने का मॉडर्न पीरियड। नए जमाना का है ट्यूटर। ट्यूटर ज्ञान देने वाला, ट्यूटर क्या है? नए जमाना का ट्यूटर कौन है? कंप्यूटर है। चाहे जितना हो कठिन काम हल कर देता है तमाम। हम जितना काम कंप्यूटर को देते हैं वह क्या करते हैं? वह सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हम जितने काम उसको देते हैं कंप्यूटर सारा काम वह स्पीड से, तेजी से अपना काम करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, है ना? ठीक है, हाँ। देखिए चाहे जितना हो कठिन काम, हम जितना कठिन काम कंप्यूटर को देते हैं हल कर देता है तमाम। तमाम क्या है? एंटायर, एंटायर वर्क, पूरा वर्क वह जल्दी से करते हैं। देखिए इट सॉल्व्स मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर सॉल्व्स मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। सो इट इज फाउंड इन द बैंक, ऑफिस एंड दुकान। देखिए तेज काम है इसकी शान। कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, वह जल्दी से और आसानी से काम करते हैं। कौन? कंप्यूटर। चाहे जितना हो कठिन काम
हल कर देता है तमाम, तेज काम है इसकी शान। इसकी शान क्या है? कंप्यूटर का शान क्या है? कंप्यूटर की विशेषता क्या है? वो तेजी से क्या काम करते हैं, तेजी से, वाला रे स्पीड ले, तेजी से काम करते हैं। और पहुंचा दफ्तर बैंक दुकान, वह तेजी से काम करने से वह किस, कहाँ कहाँ हम देखते हैं कंप्यूटर को? कंप्यूटर को हम दफ्तर, दफ्तर मीन्स ऑफिस, दफ्तर, बैंक और दुकान, दुकान शॉप, हम दुकान में और बैंक में और ऑफिस में क्या क्या देते हैं हमको देख सकता है किसको? किसको? कंप्यूटर को दिखता है। ठीक है, देखो वंस अगेन, अनूठा साथी है यह कंप्यूटर, नए सेमाने का यह ट्यूटर, चाहे जितना हो कठिन काम, हल कर देता है तमाम, तेज काम है इसकी शान, पहुंचा दफ्तर बैंक दुकान। देखिए अनूठा, अनूठा साथी है, हमारा साथी है, यूनिक कंपेनियन, हमारा साथी है कंप्यूटर। और नए जमाने का एक ट्यूटर, नए जमाना न्यू जनरेशन, पुदिया जनरेशन, पुदिया तलमुरा, मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड का ट्यूटर है वह, चाहे जितना कठिन काम हल कर देता है तमाम, हम जितने वर्क कंप्यूटर को देते हैं वह आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हल कर देता है इसका सॉल्यूशन, इंडियन सॉल्यूशन वह देता है, तेज काम है इसकी शान, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, वह तेजी से काम करता है। और इसलिए हम कंप्यूटर कहाँ उपयोग करते हैं? दफ्तर, बैंक और दुकान में। दफ्तर मीन्स ऑफिस, बैंक और दुकान शॉप में हम देख सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर इज अ यूनिक कंपेनियन, इसका अर्थ क्या है? कंप्यूटर इज अ यूनिक कंपेनियन और इट इज द ट्यूटर ऑफ ए मॉडर्न वर्ल्ड, इट इज द ट्यूटर ऑफ मॉडर्न जेनरेशन। देखिए इट सॉल्व मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कंप्यूटर सॉल्व्स मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, सो इट इज फाउंड इन द ऑफिस, बैंक एंड शॉप्स। ठीक है, समझा।